हेलो एंड वेलकम टू दीप माला एंटरटेनमेंट। आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ का प्यार है शहनाज के लिए कितना ज़्यादा खास, सिद्धार्थ कितना ज़्यादा प्यार करते हैं शहनाज को, सिर्फ पसंद ही नहीं करते बल्कि दिलो जान से चाहते भी हैं। जी हाँ, इसके काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जो हम आपको धीरे धीरे करके देने वाले हैं। आपने बिग बॉस हाउस में देखा कि सिद्धार्थ हमेशा से जो है बेडरूम क्लीनिंग की ड्यूटी निभाते आए हैं, यानी जो भी है उन्होंने बेड्स वगैरह क्लीन करने की ड्यूटी ली, कभी भी बर्तन नहीं लिए, लेकिन सिर्फ शहनाज के कारण उन्होंने बर्तन भी मांजे हैं और किसी की हेल्प नहीं की उन्होंने कभी भी बर्तनों में। यहाँ पर भी देखिए शहनाज कितने प्यार से सिद्धार्थ को देख रहे हैं। जब भी कभी ऐसा होता था कि शहनाज बैठी हैं कुछ बातें कर रही हैं, तो सिद्धार्थ उन्हें प्यार से निहारते हुए नज़र आते थे। यहाँ पर मुझसे शादी करोगे में भी वहीं शहनाज के चलते शहनाज को लेकर वो शो में आए थे, और बाद में हमने आपको ये भी बताया कि वो रेगुलर सेट पर जाया करते थे शहनाज से मिलने। ये प्यार नहीं तो और क्या है कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज से मिलने जाते थे मुझसे शादी करोगे के शो पर, और हर वक्त उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ शहनाज को ही ढूंढती हैं। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और अब देख लीजिए, सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब अब मुझसे शादी करोगे शो ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन है, आफ्टर लॉकडाउन शहनाज लगातार सिद्धार्थ के साथ में हैं, वो पंजाब भी नहीं गई हैं इतने महीनों से। यहाँ पर देख लीजिए, इस पिक्चर में दोनों की लड़ाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी सिद्धार्थ को तो पानी सेम शहनाज के बाउल से ही पीना है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों का बॉन्ड। यहाँ पर देखिए कितने प्यार से सिद्धार्थ शहनाज को देखते हुए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल नहीं रह पाते हैं शहनाज के बगैर। आपने देखा कि पूरे लॉकडाउन में और आफ्टर लॉकडाउन अभी भी दोनों साथ में हैं, शहनाज पंजाब भी नहीं गई हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज के बगैर नहीं रह सकते। ये क्लियरली हमने देखा है बिग बॉस हाउस में, जब दोनों की बात नहीं होती थी तो कई बार ऐसा देखने में आता था कि सिद्धार्थ जो हैं बाहर गार्डन एरिया में आकर और चेयर पर लेट जाया करते थे। हालांकि बहुत ठंड होती थी उस दौरान, तब भी वो गार्डन एरिया में लेटे हुए सोए हुए नज़र आते थे, क्योंकि अंदर बेडरूम में उनका नहीं लगता था मन शहनाज से बात किए बगैर वो नहीं रह सकते, शहनाज से हंसे बोले बगैर वो नहीं रह सकते। यहाँ देखिए कितने प्यार से वो शहनाज को निहारते हुए नज़र आ रहे हैं और कितना प्यारी सी स्माइल है उनके चेहरे पर, और ये देखिए कितना प्यार से वो देख रहे हैं शहनाज की तरफ। चाहे सामने वीकेंड का वार चल रहा हो, सलमान सामने हो, लेकिन उन्हें तो सिर्फ शहनाज की तरफ देखना होता था। शहनाज बातें कर रही हो, शहनाज किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रही हो, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान हर समय शहनाज की तरफ होता था। इतना ज़्यादा शहनाज को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं। उसके बाद भी कई बार कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं, क्योंकि फैंस जानते हैं कि सिद्धार्थ कितना शहनाज को प्यार करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब मिर्च डाल दी थी पारस ने शहनाज के ऊपर, सिद्धार्थ बहुत परेशान थे और सर पर हाथ रख कर बैठे थे, और इमीडिएट वो पानी लेकर आए थे, आंखें धुलवाई थी। खैर, धुलवाई उन्होंने आरती की भी थी, लेकिन शहनाज के लिए वो बेहद परेशान दिखे थे। और बहुत ही प्यारे प्यारे उनके मोमेंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों के बीच में प्यार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक एक चीज़ बयां करती है उस चीज़ को कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और शहनाज का तो दुनिया जानती है, लेकिन सिद्धार्थ भी शहनाज से बहुत प्यार करते हैं। ये बात और है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शहनाज से जो है प्यार नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़रों में, उनके एक एक बात में, उनके हर एक मोमेंट में शहनाज के लिए प्यार नज़र आता है। वो कुछ परसों के दिन ही चौपाटी घूमने गए, शहनाज को लेकर गए, अपनी फ्रेंड जैस्मीन के घर लेकर गए, बर्थडे विश किया। यहाँ पर देखिए विशाल बैठे हुए हैं, बात कुछ और चल रही है, सब कहीं और देख रहे हैं, और सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी दुलारी शहनाज को देख रहे हैं। ये एक एक चीज़ जो है सबूत है इस बात का कि सिद्धार्थ जो हैं शहनाज को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब आप में से अगर कुछ लोगों के मन में भी डाउट है, तो हम तो यही कहेंगे कि अपने मन से वो डाउट निकाल फेंकिए। और यहाँ जब फर्स्ट वीक में इविक्शन हो रहा था, सिद्धार्थ शुरू से ही शहनाज के दीवाने थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन पिक्चर्स में, वो शहनाज को ही
दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। और ये शुरुआती दौर की बात है, तब शहनाज को बिल्कुल भी सिद्धार्थ की तरफ अट्रैक्शन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सिद्धार्थ शुरुआती दौर से शहनाज के दीवाने थे। हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं करते, धीरे बयान करते हैं अपनी फीलिंग्स को। वेल, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक। और अगर आपको भी यही लगता है कि सिद्धार्थ करते हैं शहनाज से बेहद ज़्यादा प्यार, तो एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिए हमारी